छोटी काशी नगरी के सिपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में गुजरात के नासिक से हरियाणा में पहली बार गिर गाय के आगमन पर आश्रम प्रांगण में गाय माता का भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने तिलक लगाकर व फूल मालाओं से गाय माता का अभिषेक किया। अंतर्राष्ट्रीय संत श्री महंत सिपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज ने कहा कि भिवानी जब संसार में गाय माता का अवतार हुआ तो गाय माता ने चार रूपों में इस धरा पर जन्म लिया, जिसमें कामधेनु, सुरभि, नलनी व गिरीशी, जिनमें गिरीशी गाय का शब्द खत्म होने से गिर नाम से जाने जाने वाली इस प्रजाति की गाय हिंदुस्तान में केवल गुजरात में पाई जाती है, जहां इनके अलावा और भी 272 अन्य तरह की गायों की नस्लें पाई जाती हैं। तेरा बता कामधेनु गाय, कामधेनु का भाई कौन सी? सुरभि, नलनी, नलनी का गिरीशी, इसे गिर गाय का वो सा खत्म कर दिया गया, उसे गिर का इसने भाई लेके क्यों अपने यहाँ पे है नहीं प्रजाति, इसका अपन प्रश्न करेंगे। हमारे जो नासिक में है 1500 गाय हमारे पास, 1500 कितनी रहा गाय हगड़ 1557 टोटली की, अभी आए 6 गाय और एक बंदी। हाँ, और इसका दूध इसका गुण की है ना व्याख्या ही नहीं है। हाँ, और गाय भी ऐसे भी अंश है उसका तरके, इस गाय का जो मूत्र जो डॉक्टर वैद्य बोलते हैं, इस गाय का मूत्र अभी सच भी हुआ था, रिसर्च किया था, केवल 6 से 26 दिन में काम कर देता है जो 6 महीने में करती है। ब्राजील तो देश है, ब्राजील देश, वहाँ पे हिंदुस्तान की सभी गायें हैं 272 किस्में, जहाँ से गाय उत्पत्ति हुई वो गाय के बगैर इस संसार की कल्पना करना मूर्खता है। गाय के बगैर हम दीप जो हमारे सब मंत्र हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, मंत्र द्वारा सूर्य से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें पंचगव्य हो मैखी नहीं चाहिए, मैखिया दूध भी तो तत्काल विष में जाता है, गाय का नहीं बनता। तो इच्छा ये कि गाय का ये बढ़े, ये वंश आगे चले, अपना सिटी में तो कम से कम हर घर में गाय होनी चाहिए, गिर गाय, और जो गरीब जो बेरोजगार है उसका पेट एक आराम से भर सकती है। 20 से 25 लीटर दूध इस गाय के हैं, ये अगर आप बेचेंगे हमारे वहाँ जो दूध बिकता है, हम तो बेचेंगे दवाई के लिए लेके आए हैं, वहाँ गौशाला घी की कीमत 250 से 3000 रुपये, कैंसर में जो होता है जगह